सीता ही जान चढ़ाई बहोरी चला उतायल तास न थोरी करति बिलाप जाति नभ सीता व्याध विबस जनु मृग सभीता पर बैठ कपिन्ह निहारी कही हरि नाम दीन पट डारी एही विधि सीता ही सोले गयऊ एही विधि सीता ही सोले गयऊ अशोक महाराखत भयऊ अरे पापी दुरात्मा तुझे ये नीच कार्य करते हुए लज्जा नहीं आई तेरे इस कुत्सित कर्म को संसार के मनुष्य क्रूर कहेंगे तेरे पराक्रम को धिक्कारेंगे कबीर कहता है एक अबला का छल कपट से हरण कर तू कभी योद्धा नहीं कहला सकता इनके विवेक रावण का वैभव मेरे अधिकार में असंख्य राक्षस हैं मैं तुझसे प्रेम करने लगा हूं ये सब स्वीकार कर लंका ये समस्त लंका तेरे अधीन होगी तो मेरे पहलवान में बैठकर प्रचंड विहार किया करना उस भिक्षुक राम को बुला दे अरे पापी मेरे पति श्री राम यदि पंचवटी में तुम उनके सामने आ जाते तो अवश्य मारे जाते मेरे शरीर को चाहे बांधो या नष्ट कर दो मैं आर्य पुत्र को छोड़कर किसी अन्य की नहीं हो सकती बंद कर अपना ये प्रलाप चल तुझे लंका दिखाता हूं आप इस रोती हुई अबला स्त्री को इस महल में कभी नहीं ला सकते मंदोदरी नहीं महाराज ये रोती हुई अबला स्त्री इस महल में कभी नहीं आ सकती मंदोदरी मेरा बात छोड़ो मैं किसे महल में लाता हूँ किसे नहीं ये मुझे तुम नहीं बताओगी अपनी मर्यादा की सीमा मत लांघो
सही कहा महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अपनी मर्यादा की सीमा को लांग रही हूं, परंतु अब आप एक पग भी यहां से आगे नहीं बढ़ सकते। मंदोदरी, अब तुम मुझे नहीं बताओगी कि मैं किसे महल में लाता हूं या किसे नहीं। परंतु महाराज, आप पर आपत्तियों के बादल मंडराने लगेंगे। आपत्ति? कैसी आपत्ति? तुम कहना क्या चाहती हो? महाराज, हम सभी इस महल में सुख से रह रहे हैं, और इस रोती हुई अबला स्त्री के यहाँ आ जाने से इस महल में अशांति छा जाएगी। महाराज, अशांति छा जाएगी, और आपने आपने तो इस स्त्री का हरण किया है। ये दशानन का प्रतिशोध है। इसके पति के भाई ने मेरी बहन स्वरूपरेखा को क्रूर कर दिया। परंतु ये एक नारी पर अत्याचार है महाराज। वो अत्याचार नहीं था जो मेरी बहन पर किया। महाराज, ये न्याय तो नहीं है, ये तो एक पतिव्रत नारी का अपमान है महाराज, जिसका दंड आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। तो ठीक है, जब तक ये अपनी स्वीकृति से महल में आना स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक मैं इसे अशोक वाटिका में रखूंगा, और इसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा करूंगा। त्रिशता पुत्री, आज से सीता की रक्षा का दायित्व तुम्हारा होगा। जी काकाशी। मंदोदरी, परंतु ज्ञात रहे, जिस दिन इसने महल में आना स्वीकार कर लिया, उस दिन तुम्हें इसकी दासी बनना पड़ेगा। महाराज लंकेश, मुझे आपकी ये चुनौती स्वीकार है। ठीक है, मुझे इसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा रहेगी। जाओ ले जाओ इसे, और अशोक वाटिका में इसका ध्यान रखना। मैं इसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा करूंगा। मां, सीधे कहां हैं आप? सीते, लक्ष्मण, ये पुष्प, लक्ष्मण, ये पुष्प, लक्ष्मण, ये वही पुष्प है जो प्रातःकाल मैंने सीता को दिया था लाकर उसके केशों में लगाने के लिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि या तो कोई निशाचर उसको खा गया, या सीता को कोई हर कर ले गया। लक्ष्मण, सीता नहीं है, हे खग, हे खग, हे मृग, हे मृग, तूने वो मृग नहीं देखी, हे कोकिले, हे कोकिले, तू कूक कर बतला दे कि तूने वो कोकिल बह नहीं देखी। हंसो मत, हंसो मत, हंसो, बताओ चलकर उस राज हंसनी को, ऐ सिंगो, ऐ सिंगो, गर्जो,
और इतना कह दो कि तूने देखा है उस मैथिली सिंहनी को। हे पहरेदारो, हे पहरेदारो, हे वन वृक्षो, वो वन देवी किधर गई? हे कुटी कुटी, तू ही बता, वो इधर गई या उधर? भैया संभालिए, भैया शांत हो जाइए। हे धरती माँ, इसे भागे राम को क्षमा कर देना, ये आपके पुत्री की रक्षा नहीं कर पाया, किंतु आप इस राम का अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए हे धरती मां मुझे दंड दो, मुझे दंड दो, मुझे दंड दो, संभालिए भैया, मुझे दंड दो, मुझे दंड दो, लक्ष्मण लक्ष्मण, मैं महाराज जनक को क्या उत्तर दूंगा? मेरी पुत्री सीता कहाँ है? मैं क्या उत्तर दूंगा? मैं क्या? भैया भैया अपना धीरज ना खोइए। मैं क्या? धैर्य रखिए भैया, धैर्य रखिए। लक्ष्मण, जिस पंचवटी में वनवास की इतनी अवधि सुखपूर्वक व्यतीत हुई, आज ऐसा लग रहा है जैसे जैसे ये पंचवटी मुझे काटने को दौड़ रही है। लक्ष्मण, हे पर्वत, हे वृक्ष, हे गोदावरी नदी, तुम्हारी दृष्टि के सामने कोई मेरी सीता को हर ले गया, किंतु तुम मूक दर्शक बनकर देखते रहे। इसलिए अब तुम लोगों का अस्तित्व रहना ही संभव नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा दूंगा। लक्ष्मण, अब आज चाहे देवता हो, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, अब कोई भी चैन से रहने नहीं पाएगा। अब इस ग्रहों की गति को रोक दूंगा, सूरज के तेज को नष्ट कर दूंगा, अब इस समूचे ब्रह्मांड में ये राम विनाश लीला प्रारंभ करेगा। रखा धीरज, चलिए भैया, शांत हो जाइए। सीधे कहाँ चली गई आप? लक्ष्मण, ये तो वही मेरे घर जो मेरी मेरी सीता को बहुत प्रिय थी, क्या तुम्हें भी सीता की याद सता रही है? लेकिन सीता नहीं है, वो कहीं छुप गई है, मुझे सता रही है, वो छुप गई है। लक्ष्मण, हाँ भैया, ये मेरे कुछ इशारा कर रहा है। हाँ भैया, कदाचित इसे ज्ञात है कि सीता कहाँ गई है। भैया, ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई हमें दिशा का ज्ञान दे रहा है। भैया, सीते मां, तुम्हें क्या थे, कहां गई है सीता?
तो मुझे दिशा बताओ। देखिए मुझे ज्ञात है, मैं जानता हूं को आपको प्रयास करने की आदत है, किंतु आप अपने राम को और मत सताइए, और मत सताइए। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। भूषण बहुपट मात मत जटायु, गीत अनुपा आपने हमारे साथ पिता तुल्य व्यवहार किया और मेरी सीता की रक्षा के लिए आपने अपने प्राण तज दिए। आप स्वर्ग जाकर पिताश्री से सीता हरण की बात मत कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो रावण अपने कुल समेत जाकर यह बात पिताश्री से कहेगा। अब चाहे पृथ्वी पर, आकाश में या पाताल में कहीं पर भी रावण छुप जाए, मैं उसको वहां से ढूंढकर उसकी चिता सजा दूंगा। रावण, 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 सुन ले रावण, कह रहा हूं सौगंध खाकर अपने धनुष की और बाण की वीरता की, धीरता की, धर्म की, सम्मान की, आन है रघुवंश की और सौगंध कुल के मान की, जान के ग्राहक बनेगी दुष्ट रावण। अब तेरे जान के जो बचाने को तुझे ये सकल ब्रह्मांड भी चल कर आएगा राम के हाथों से। रावण अब तू नहीं बचने पाएगा, नहीं बचने पाएगा। सीते 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 भैया सीते कुंजन माहिना सरिता तीरे विरग विकल रघु वीर अधीरे। लक्ष्मण। हाँ भैया। महात्मन जटायु ने हमारे साथ पिता तुल्य व्यवहार किया और मेरी सीता की रक्षा करते करते अपने प्राण तज दिए, इसलिए हमारा एक कर्तव्य बनता है कि एक पुत्र की भांति हम उनका अंतिम संस्कार करें। अविरल भगती मांगी वर गीध गयो भरी धाम तेहि की क्रिया जतोचित निज कर कीनी राम तेहि की क्रिया जतोचित। मुझे क्षमा कीजिएगा, निज कर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मानव गंध किस लिए आए हो? चलो अच्छा है, कोई तो आया
मैं भी बहुत समय से भूख से तड़प रहा था। अब तुम दोनों मेरा निवारा बन जाओगे। अरे भाई क्यों सता रहे हो आप हमें? हम स्वयं बहुत दुखी हैं। आप हमें मत सताओ। आओ लक्ष्मण, देखते जाओ कैसे तुम मेरा निवारा बनते हो। लक्ष्मण सावधान, सावधान। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम तो बड़े ही पराक्रमी लगते हो। कौन हो तुम? हे मायावी राक्षस, मैं अयोध्या नरसिंह महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। राम? क्या तुमने राम कहा? राम, राम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। राम, राम, मैं तुम्हें आज राक्षस दिखाई दे रहा हूं राम, किंतु मैं पहले ऐसा नहीं था। मेरा भी मानव रूप था राम, मैं भी बड़ा पराक्रमी था। मैं लोगों को राक्षस बन बनकर डराया करता था। और एक बार महर्षि स्थूल सिरा ने मुझे सचमुच राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राम, मैंने उनसे बहुत क्षमा याचना की, उनसे बहुत ही क्षमा मांगी। तब जाकर उन्होंने दया करके मुझे कहा कि एक दिन श्री राम आएंगे और वो जब मुझे अग्नि के सुपुर्द करेंगे तब जाकर ही मेरा उद्धार होगा। राम, मेरा उद्धार होगा। राम, मुझ पे कृपा कर, मुझे अग्नि के सुपुर्द कर दो। राम, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। राम, आप तो जीवित हैं, किसी जीवित को अग्नि के सुपुर्द करना ये पाप है, ये उचित नहीं है। नहीं राम, प्रभु ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे स्थूल शिरा महर्षि ने यही कहा था कि श्री राम जब मुझे अग्नि में समर्पित करेंगे तब जाकर ही मेरा ये श्राप हट जाएगा, मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा, तो इसमें कदाचित भी कोई पाप नहीं। राम, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो राम। ठीक है प्रिय, मुझ पे कृपा की। प्रभु, प्रभु आपने मुझे धन्य कर दिया। प्रभु, प्रभु आपका आभार है कि मुझे इस नरक भरी जिंदगी से, इस श्राप से मुक्त कर दिया। मैं आपका आभारी हूं प्रभु। हे कवन, मैं अपनी भार्या सीता को ढूंढ रहा हूं। रावण उसे हर कर ले गया है, किंतु कहां ले गया है? रावण है कैसा और वो स्थान है कौन सा जहां वो मेरी भार्या सीता को ले गया है, मैं कुछ नहीं जानता। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं इसमें? हाँ राम, प्रभु मैं आपको यही बताने जा रहा था। प्रभु, इसके लिए आपको
अपने जीवन में कुछ युक्तियों को अपनाना होगा। संधि, विग्रह, यान, आसन, इन सब को अपने जीवन में आपको अपनाना होगा। और हां, इस अभियान में आपकी सहायता करने वाले सुग्रीव जी हैं। सुग्रीव जो कि उनके बड़े भाई बाली ने उन्हें अपने राज्य से निष्कासित कर दिया और अब वो महर्षि पर्वत पर विराजमान है और वो आपकी सहायता करेंगे, अवश्य करेंगे। ऋषि मुख पर्वत है वो, जहां पर वो निवास कर रहे हैं। और हां, मार्ग में जाते हुए आप बतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचेंगे और वहीं जाकर आपकी भेंट होगी शबरी जी से। हे राम, मुझे कृतज्ञ किया आपने मुझे, मैं आपका आभारी हूं प्रभु कि मैं आपकी कुछ सहायता कर पा रहा हूं। हे कवन, अनुग्रह तो मैं हुआ कि आपने मार्ग बताया कि सीता को पाने के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, किससे मिलना पड़ेगा, किससे मित्रता करनी होगी। प्रभु, अनुग्रह तो मैं हुआ प्रभु। प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे जाने का समय हो गया है प्रभु। उचित आवत पंत कवल निपाता तेगी सब कही भिलनी परम तपस्विनी शबरी जाको नाम गुरु मतंग कह कर गए तो ही मिलेंगे राम। कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। मीठे फल चक कर नित्य सजाए थारी, मीठे फल चक कर नित्य सजाए थारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। मेरे राम, मेरे राम,
मेरे राम। नहीं नहीं महात्मा, कृपा मेरे फूलों को ना लांगे, ये मैंने अपने राम के लिए बिछाए हैं। अरे पगली, तू नित प्रतिदिन मार्ग में फूल तो इस प्रकार से बिछाती है जैसे तेरे श्री राम अभी इसी समय साक्षात तुझे दर्शन दे देंगे। इतने वर्ष बीत गए, आज तक कभी श्री राम ने दर्शन दिया? अब तक नहीं आए, किंतु आएंगे। मेरे गुरुदेव मतंग मुनि के वचन मिथ्या नहीं हो सकते, इसीलिए इसीलिए मैं प्रतिपल प्रतिक्षण उनके स्वागत के लिए तैयार रहती हूँ। कभी कभी किसी क्षण आ गए तो क्या सोचेंगे, मुझ बिलिनी को स्वागत करने भी नहीं आता। अतः आप कृपा दया कर मेरे इन फूलों से किंचित हट कर चलिए, आपकी अधिक कृपा होगी। और मार्ग श्री राम। चल ठीक है, हम स्वयं ही अपना मार्ग बदल लेते हैं। श्री राम चरण में प्राण बसे शबरी के, श्री राम चरण में प्राण बसे शबरी के, प्रभु दर्शन दे तो भाग जगे शबरी के। रघुनाथ प्राण निधि, रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी, रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी। रस्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रस्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, कब दर्शन देंगे मेरे राम हितकारी। मेरे राम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सबरी देखी राम रहे आए, मुनि के वचन अब फिर आ गए मेरे फूल रौंदने। देवी, हमें माता शबरी से मिलना है, आप उनके आश्रम में जाने का मार्ग बताएंगे हमें? माता शबरी के पास? लेकिन हाँ। आप है कौन? हे देवी, मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं, और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। अब आप बता दीजिए। राम, लक्ष्मण, आप आ गए प्रभु, आप आ गए मुझ बिलिनी की कुटिया में। मैं जड़मती आपको पहचान ना सकी प्रभु, मैं पहचान ना सकी, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान ना सकी प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। आइए प्रभु, आइए पधारिए प्रभु, पधारिए, आइए प्रभु, आइए। आज आपके चरण कमलों से मेरी कुटिया पवित्र हो गई प्रभु, पवित्र हो गई। आइए प्रभु, आइए, आइए। मैं आपके चरण बखाते हूँ प्रभु। हाँ, चरण बखाते। नहीं नहीं, मैं पहले आसन बिछाती हूँ, आसन बिछाती हूँ प्रभु। नहीं, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ, आपको भूख लगी होगी ना प्रभु, आप थक गए होंगे प्रभु। मैं आपके चरण दबाती हूँ प्रभु, मैं आपके चरण दबाती हूँ। क्षमा क्षमा प्रभु, क्षमा, मैंने आपको छू लिया प्रभु, अब आपको नहाना पड़ेगा। नहाना पड़ेगा? किंतु क्यों नहाना पड़ेगा माते? हाँ प्रभु, मेरे छू जाने से साधुओं के वस्त्र मैले हो जाते हैं, मेरी छत्री छाया पड़ने पर लोग नहाते हैं,
मैं कुबुद्धि अज्ञानी हूं प्रभु। नहीं माता, जिसके मन में श्रद्धा भक्ति और प्रेम का स्रोत बहता है वो कभी किसी को नीचा नहीं कहता। ये भक्ति और प्रेम ये तो मनुष्य को ऊपर उठाने वाला होता है। ये जात पात, ये समस्त भेद, धन का अहंकार, इसका कोई मोल नहीं है भक्ति के आगे। इसलिए माता, जो ऐसा भेदभाव रखते हैं, सत्य यह है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। प्रभु, मां मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है प्रभु? कुछ खाने के लिए हो तो दो ना। मैं फल लाती हूँ प्रभु, फल। बरसों से प्रतिदिन मैं आपके लिए मीठे मीठे बेल लेती आई हूँ प्रभु, बरसों से। कंद मूल फल सुरसयति तिये राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। बहुत मीठे है प्रभु। अच्छे है ना, मीठे है। माँ, जो इसका स्वाद है ये तो स्वर्ग में देवताओं को भी नहीं मिलता होगा, फिर राजभवन के भोग के क्या कहने। प्रभु, ऐसा लग रहा है बहुत दिनों बाद खा रहा हूं। आप फिर लीजिए प्रभु। खाओ लक्ष्मी। राजभवन में भोजन जो खाते थे ना सद्भाव से, आज खा रहे हैं सूखे बे। देखो देखो बड़े ही चाव से। मां, आज बड़े दिनों बाद ऐसा लगा जैसे माता कौशल्या अपने हाथों से मुझे निवाला खिला रही है। माता कौशल्या अपने हाथों से मुझे निवाला खिला रही है। आपके हाथ से खाकर मुझे माता कौशल्या का स्मरण हुआ है। प्रभु, मेरे गुरुदेव महामतंग मुनि जी ने कहा था कि आप अपनी भार्या की खोज में यहां अवश्य आएंगे। क्या उन्हें हमारे आने का ज्ञात था? हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था कि उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुंचने का मार्ग बतलाकर कहना कि वो सुग्रीव से मित्रता करने के पश्चात रावण पर अवश्य विजय पाएंगे और सीता सहित आनंद पूर्वक अयोध्या लौटेंगे। माँ, जब आपने अपने श्रीमुख से यह कह दिया तो अवश्य ये राम रावण पर विजय प्राप्त करेगा और मैं सीता को वहां से मुक्त कराकर ले पाऊंगा। मां, अब मुझे महाराज सुग्रीव तक पहुंचने का मार्ग बता दीजिए। प्रभु, यहां से आगे जाने पर आपको पंपासुर सरोवर प्राप्त होगा। वहीं से कुछ ही दूरी पर ऋषिमुक्त पर्वत है, सुग्रीव अपने मित्रों सहित वहीं रहते हैं। आप उनके पास जाइए प्रभु, वो आपकी अवश्य सहायता करेंगे। ऋषिमुक्त पर्वत, ठीक है माता।
अब आप मुझे जाने की आज्ञा दी। प्रभु आज्ञा तो आपको उससे पहले मुझे देनी होगी, और उससे भी पहले अपनी भक्ति और अपना ज्ञान मुझे देना होगा। मां आप तो स्वयं भक्त शिरोमणि हैं, आपने तो भक्ति की उस सीमा को लांघ दिया है जिसके आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। तो आप जैसे भक्त के आगे भला राम का क्या समर्थ कि आपको भक्ति की शिक्षा दे। प्रभु मेरे गुरुदेव का यही आदेश था कि मैं आपके श्री चरणों की सेवा से आपसे मुखार्थ ज्ञान पा सकूं। हे प्रभु मुझे नीच कुल में उत्पन्न ये शरीर छोड़ने की आज्ञा देने से पहले मुझे भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो। प्रभु मुझे भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो। उठिए माता। यद्यपि राम इस योग्य नहीं है कि आपको भक्ति की शिक्षा दे, किंतु आपके गुरु का आदेश है, अर्थात स्वयं मेरे गुरु का आदेश है, तो मैं इस आदेश की पूर्ति अवश्य करूंगा। मैंने अपने गुरु से जो सुना है, जो सीखा है, वही नवधा भक्ति मैं आपको बता रहा हूं। अपना मन चित्त हृदय एकाग्र कर सुनिएगा। ये भक्ति के वो 9 सूत्र हैं जिसमें किसी भी एक पर चलकर मनुष्य उस ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति कहो तुहि पाहि, सावधान सुनु धर्मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गन, करै कपट तजि गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन चल गीना, मम भरोस ही अगर न दीना, नव महु सको एक नव महु सको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नविदा भगति सवरी कहे दीनी, नविदा भगति सवरी कहे दीनी, सादर सवेरी शीत धरी लीनी, सादर सवेरी शीत धरी लीनी। रोमा आप तो प्रतिदिन अति सुंदर होती जा रही हैं। युद्धं देहि, युद्धं देहि, क्या हुआ युद्धं
बैठती क्यों नहीं आप? महाराज प्रलय आ गई है। महाराज ये स्वर सुनिए। स्वर? हाँ महाराज। युद्धम देहि। यह किसका काल उसे यहां खींच लाया है? आप चिंता ना करें, हम अभी देख कर आते हैं। महाराज रुकिए, अपना गदा तो ले जाइए। युद्धम देहि। भले बाहर निकल, कहां छिप कर बैठा है? कौन हो तुम? क्यों अपने मृत्यु को आमंत्रण दे रहे हो? अरे ओ बालक, क्या तू ही बाली है? नहीं। तो जा, जाकर बाली को बुला, बोल कि दशानन आया है और उससे युद्ध चाहता है। मैं भाई बाली का अनुज सुग्रीव हूं। भाई किष्किंधा नहीं है, अपना कार्य कहो। जा बालक, जाकर निर्विघ्न सो जा, अन्यथा मारा जाएगा। जा, जाकर बाली को भेज। तो मुझसे युद्ध करने से डर रहा है? अपना अस्त्र ग्रहण करो। मेरी भुजाएं ही मेरा अस्त्र है, चला जा अन्यथा मारा जाएगा। जा, जाकर बाली को भेज। अगर भाई बाली आ गया तो तू जिंदा नहीं बचेगा। तेरे लिए यही सही है, तो यहां से चला जा। मैं केवल बाली से युद्ध करूंगा। जा, जाकर अपने भाई बाली को बुला। जा, चला जा। अपने सुदर्शन काया से पैर निभाना चाहता। देखने से तो तू किसी श्रेष्ठ कुल का प्रतीत होता है। उन्नत ललाट, प्रलब्ध बाहु और अज्ञानी भी नहीं जान पड़ता है, और ना ही तेरा मुझसे कोई पैर है। तो फिर ये सब किस लिए? क्या यूं ही शब्दों के बाण चलाता रहेगा? उठा, शस्त्र उठा और युद्ध कर। क्यों अपनी मृत्यु का आवाहन कर रहा है? कौन है रे तुम? पहले अपना परिचय तो दे। परिचय? मैं महर्षि पुलस्त्य का पुत्र विश्वर्मा पुत्र लंका नरेश दशानन रावण हूं, और तुझसे युद्ध की कामना से आया हूं। उन्हें नाम तो अवश्य सुना होगा। सुना उचित है। तू निश्चय ही वीर है और साहसी भी, जो बाली पर छिपके प्रहार करने के स्थान पर उसके सम्मुख आकर इस प्रकार की बातें कर रहा है। बाली अवश्य तेरी याचना का मान रखेगा। वाह, और युद्ध कर। Ha 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 ha
वीर है, शास्त्र में पारंगत नहीं। जरा अपने भुजाओं का बल तो दिखा, आ मल्ल युद्ध कर। तो अत्यंत बलशाली है, मुझे अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। ओम ब्रह्मदेव। लिप्सा शांत हुई। बाली, रावण तो तेरी मित्रता का आकांक्षी है, क्या अब भी कोई शंका बाकी है? नहीं, सारी शंकाओं का समाधान हो गया। तो बाली को भी पुष्पलकेश की मित्रता स्वीकार है। आज प्रथम बार बाली के सम्मुख कोई इतना वीर और साहसी योद्धा आया है। निश्चय ही तुम्हें किसकिंदा किया, आदित्य स्वीकार करना चाहिए। बाली, आओ मित्र। आप जैसे वीर योद्धा को पाकर मैं प्रसन्न हो गया। आओ मित्र, किष्किंधा का आतिथ्य स्वीकार करो। लक्ष्मण। हाँ भैया। माता शबरी के बताए अनुसार पंपा सरोवर यही है। ये देखो ना, ये पुष्प, ये सुगंधित वायु। लक्ष्मण, मुझे सीता के बहुत स्मरण याद है। सीता का स्मरण हो गया, सीता को याद आ रही है। लक्ष्मण, ये पुष्प, ये सीता को बहुत प्रिय थे। पता नहीं सीता कहां होगी, किस हाल में होगी। लक्ष्मण, कुछ भी थी ना। हाँ भैया, ऐसा मत कहो भैया। सीते, आप इतना विश्वास रखिए कि आपका राम आपको रावण से छुड़ाकर अवश्य लाएगा। लक्ष्मण, माता शबरी ने कहा था इस पंपा सरोवर से आगे जाने के बाद में ऋषिमुख पर्वत है। आओ आगे ऋषिमुख पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। भगोरी रघुराई आगे चले, चलो भगोरी रघुराई ऋषिमुख पर्वत नियराई। हनुमान मम मंत्री सहित सुग्रीव
जीवा। सुनो लगा कर ध्यान, रहता है सदैव मुझे बस बाली का ध्यान। सब क्या तुम्हें है बाली ने, क्या मेरा हाल बनाया है। धन वैभव सब छीन लिया और घर से बाहर भगाया है। ऐ किष्किंधा परवास मेरा, और कष्ट अनेकों सहता हूं, फिर भी उस पापी के भाई से भयभीत सदा ही रहता हूं। है चैन कहां उसके मन को, जब तक जीवित हूं दुनिया में हर क्षण लगा ही रहता है प्राणों की मेरे चिंता में। हनुमान, हनुमान वो देखो दो बलवान युवक इस ओर चले ही आते हैं, हाथों में तीखे शस्त्र लिए, लड़ने का सब सामान लिए। अनुमान मेरा ये कहता है बाली के भेजे आए हैं, प्राणों के मेरे ग्राहक हैं, षड्यंत्र रचा कर लाए हैं। हनुमान मेरी बात सुनो, कुछ वेश बदल कर जाओ तुम, मीठी मीठी बातों से अपनी भावों के उनका पता लगाओ। महाराज आप निश्चिंत रहे, मैं अभी ब्राह्मण भेष धर कर जाता हूँ और सारे भेदों का पता लगा कर आता हूँ। प्रणाम महाराज। धरिवट रूप देखते जाई, कैसु जान दिए सयन बुझाई। लक्ष्मण, माता शबरी के बताया अनुसार हम ऋषिमुख पर्वत के पास आ गए, किंतु ऊपर जाने का मार्ग कौन सा है यह हमें ज्ञात नहीं, और यहां कोई और हमारे अतिरिक्त है नहीं जो हमें ऊपर जाने का मार्ग बताए। विप्र रूप धरी कपित गया माथ नाए पूछत अस भय। मार्ग से भटक गए हो क्या? प्रणाम विप्रवर। कठिन मार्ग है यहां, वन अति गंभीर, आप कौन श्रीमान है, श्यामल गौर शरीर, कौन ग्राम क्या नाम देवता, आप कहां से पधारे हैं, जाहिर में तो है तपस्वी, फिर यह शस्त्र क्यों धारे हैं, इधर तुम्हारी युवा अवस्था उधर फकीरी बाना है, सच बताओ क्या कारण वन में फिरने का, असली कौन ठिकाना है। हे विप्रवर, आपने तो एक बार में ही इतने सारे प्रश्न पूछ लिए। सुनिए विप्र, आपने हमसे हमारा परिचय पूछा, तो हमारा परिचय सुनिए। कोसलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान वन आए, नाम राम लक्ष्मण दौ भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, इहा हरि निश्चर वैदेहे, विप्र हमते ही खोजत फिरहे। मेरे प्रभु राम, प्रभु मैं मूर्ख अज्ञानी आपको नहीं पहचान सका, प्रभु तुम अंतर्यामी राम, प्रभु मैं माया व संजान हुआ, तुम विष्णु के अवतार प्रभु, सेवक मैं हनुमान, प्रभु हम वानर हैं, ये ब्राह्मण शरीर तो एक धोखा है प्रभु, प्रभु क्या आपने अपने इस सेवक को नहीं पहचाना? नहीं हनुमान, मेरे बात सखा
जब तुम्हें देखा तो मेरे हृदय के स्पंदन ने मुझसे कहा कि ये सामने जो है ये वो है जो मेरे हृदय के करीब रहता है, किंतु तुम्हारी ये गोल गोल बातें सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया था। मेरे बाल सखा हनुमान, आज इतनों वर्षों पश्चात तुम मुझे मिले हो। हनुमान छोटे लखन से गले नहीं मिलोगे। भैया लखन, प्रभु सुग्रीव यहीं पे रहता है जो हम लोगों का राजा है। जिस दुष्ट ने सिया हरण किया उसकी दिया बुझा देंगे, प्रभु के काज हेतु बल अपना पूर्ण लगा देंगे। आइए प्रभु, मैं आपको ऋषिमुख पर्वत की ओर ले चलता हूं। ठीक है हनुमान, परंतु प्रभु ऋषिमुख पर्वत जाने का रास्ता बहुत ही कठिन और पथरीला है, जो आपके इन कोमल पगों के लिए कष्टदायी होगा। आइए प्रभु, मैं आप दोनों को अपने कंधों पर बिठाकर ऋषिमुख पर्वत की ओर ले चलता हूं। उचित है हनुमान। तोरे गम पर्वत मार्ग के निज सेवक के संग आइए स्वामी, भक्त के कांधे पे आने विराजिए। जय श्री राम। कैसे भक्त कहा जय श्री राम। महाराज सुग्रीव की जय हो। महाराज ये दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण है, ये बाली के भेजे हुए दूत नहीं। प्रणाम प्रभु। प्रणाम सुग्रीव जी। हनुमान, सुग्रीव जी, माता शबरी ने कहा था कि ऋषिमुख पर्वत पर आकर आपसे मिलूं, उसी समय जब माता शबरी ने आपका गुणगान किया, आपके सर्वोत्तम गुणों को बताया, तो उसी समय मेरे हृदय में ये भाव आ गए थे कि आपसे ये राम मित्रता करेगा। प्रभु मैं वानर राज सुग्रीव आपका स्वागत करता हूं, समस्त सेना सहित। मेरे अहो भाग्य है जो आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया। प्रभु श्री राम अयोध्या के अधिपति सुग्रीव नरपति वानरों के, एक वनवासी एक गिरिवासी, संजोग एक है दोनों के। सुग्रीव पदु है बालू बाली भवन में, राघव की सिया भी हरी हुई, इसलिए परस्पर प्रीत करो, आशा की दुख भी हरी हुई। प्रभु मैं भी दीपक लेकर आता हूं। उचित कहा आपने हनुमान, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ धर्म है वो है मित्रता का। मात्र यही धर्म है जिसका मोल कभी चुकाया नहीं जा सकता और जिसमें कोई छल नहीं होता। हनुमान ने अति उत्तम बात कही है। तब हनुमंत उभय दिसी की सब कथा सुनाए,
पावक साखी ते करी जोरी प्रीत दृढ़ा। हे मित्र सुग्रीव, मैं इस अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रण लेता हूं कि आजीवन ये राम आपके साथ में मित्रता का धर्म निभाएगा। यदि आपके ऊपर कोई संकट आया तो उस संकट का सामना सबसे पहले आपका मित्र राम करेगा। आपके जीवन में आए हुए समस्त बाधाओं विघ्नों को, समस्त कष्टों को आपका यह मित्र राम दूर करेगा। मैं वानर राज सुग्रीव ये प्रतिज्ञा करता हूं कि चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना गंवाने पड़े, लेकिन मैं आपकी और हमारी मित्रता के दायित्व को संपूर्ण पूर्ण करूंगा। अति उत्तम। मित्र सुग्रीव, जब मित्रता हो गई है तो मित्र के गले लग जाओ। जय श्री राम। सादर मिलो नाई पद्माता, भेटो अनुज सहित रघुनाथा। जब आपसे मित्रता हो गई है तो मित्रता में सर्वप्रथम ये बात आती है कि एक मित्र दूसरे से अपने किसी बात को नहीं छिपाता। जी प्रभु। सुग्रीव जी, मैं अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन आया था। मेरे साथ में मेरा अनुज लक्ष्मण और मेरी भार्या सीता थी। वनवास के 13 वर्ष पूर्ण हो गए, उसके पश्चात पंचवटी से दुष्ट रावण मेरी भार्या सीता का हरण कर ले गया। तब से वन वन भटकते हुए अपनी भार्या सीता को ढूंढ रहा हूं। क्या इस संबंध में आपके पास कोई जानकारी है? अवश्य प्रभु। हमें बताएं। जी प्रभु, परामर्श करता था मैं एक बार अपने मंत्रियों सहित, तभी आकाश मार्ग से आई एक करुण पुकार। प्रभु, एक दिन मैं इसी पर्वत पर बैठकर अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा था, तभी आकाश से एक स्त्री विलाप करती जा रही थी। उन्होंने हमें देखकर कुछ आभूषण हमारी ओर फेंके थे। सीता ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उतायल तास न थोरी। करत बिलाप जाति नभ सीता, व्याध बिबस जनु मृग सभीता। गिर पर बैठ कपिन्ह निहारी, कही हरि नाम दीन पट डारी। हमने इकट्ठा करके रखे हैं, अब कहे तो मैं अभी मंगवाता हूं। हाँ मित्र सुग्रीव, अब वो आभूषण मंगवाइए, मैं उसे देखना चाहता हूं। हनुमान। जी महाराज। शीघ्र ही वो आभूषण लेके आइए। जी महाराज। मांगा राम तुरत तेगी दीना, पटे और लाए सोचियती कीना। कहाँ हैं आप, कैसे हैं आप? महाराज वो आभूषण ये
ये मेरी सीता के आभूषण है। लक्ष्मण लक्ष्मण यहां आओ। ये मेरी सीता के आभूषण है। ये अयोध्या में मैंने उसे ला कर दिया था और ये महाराज जनक ने विवाह के पश्चात विदाई के समय दिया था। लक्ष्मण ये कुंडल पहचानो लक्ष्मण। नहीं ये कुंडल मेरी सीता के है ना? ये सीता के है ना लक्ष्मण? नहीं भैया ये मेरी सीता के है ना? मैं इन कुंडलों को नहीं पहचानता। मैं तो बिछो का सेवक हूं, देखे माता के कान नहीं। धन्य हो लक्ष्मण धन्य हो। हद नहीं है ज्ञान की और मान की सीमा नहीं। पास भाभी के रहे और कान तक देखा नहीं। धन्य हो लक्ष्मण। आज ये आभूषण सीता से अलग होकर इसने अपनी समस्त कांति खो दी है और ये सीता के साड़ी का वो टुकड़ा है जिससे वो मेरी सेवा करती थी। सीते आपका राम आ रहा है, आपका राम आ रहा है। सीते आप चिंता मत कीजिए, आपके समस्त कष्टों को मिटाने के लिए आपका राम आ रहा है। अब रावण नहीं बचेगा, अब रावण कतई नहीं बचेगा। मित्र सुग्रीव सर्वप्रथम मैं मित्रता का धर्म निभाऊंगा। भले मैं अपनी सीता को वन वन भटक भटक कर ढूंढा किंतु मिले नहीं, किंतु सर्वप्रथम ये राम आपके कष्टों का निवारण करेगा। आप बताइए, आप अपनी कथा विस्तार पूर्वक बताइए, क्या हुआ है आपके साथ? कारण कवन बसहू बन मोही कहो सुग्रीव। प्रभु बाली और मैं दो भाई, पिता की मृत्यु के पश्चात समस्त वानर राज उन्हें सौंप दिया गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था प्रभु, मगर एक दिन भाई बाली का पुराना बैरी मायावी दैत्य वानर राज में आकर उत्पात मचाने लगा प्रभु, और उस बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा, बाली बाली। उसकी युद्ध की ललकार सहन न कर सका प्रभु और उसे युद्ध करने के लिए पीछे पीछे चल गया। प्रभु मैं भी भाई बाली के पीछे चल दिया, मगर वो दैत्य एक बार उसी बड़ी सी पर्वत की कांदरा में जाकर छिप गया प्रभु। भाई बाली अंदर जाते वक्त मुझे कहता गया कि सुग्रीव यदि मैं एक सप्ताह तक यहां से बाहर ना आऊं तो समझ लेना कि बाली मारा गया है। परंतु प्रभु मैंने पूरे एक माह तक वहां प्रतीक्षा करी, मगर भाई बाली बाहर नहीं आया। तभी एक दिन उस पर्वत की कंदरा से रक्त की धारा बह निकली प्रभु। मैं समझा भाई बाली मारा गया और अपने मृत्यु के भय से मैंने उस पर्वत को विशाल से उससे पर्वत से उस कंदरा के द्वार को बंद कर दिया प्रभु। जब मैं वापस आया तो देखा मेरा किष्किंधा सूना पड़ चुका था प्रभु। वहां की राजगद्दी को सूना देखकर वहां के लोगों ने मुझे वहां का राजा नियुक्त कर दिया प्रभु। परंतु भाई बाली तो जिंदा था प्रभु।
दिख रही है, मेरी किष्किंधा नगरी। इतनी दूरी तय करने के पश्चात आज पुनः मैं अपनी माटी को छू पाऊंगा। आज कितने दिनों पश्चात पुनः मैं अपने परिचित रसीले फलों का स्पान कर सकूंगा। मैं किष्किंधा पहुंच तो जाऊंगा, किंतु वहां अलका ना होगी। अलका वो पूर्व सुंदरी, मैं अलका के प्रेम में आतुर हो उसके कोष्टक के द्वार पे जा पहुंचा। द्वार भीतर से बंद था, चारों ओर रात्रि के तीसरे प्रहर की मैंने द्वार को खटखटाया। आश्चर्य, किंतु भीतर से कोई उत्तर न आया और आवेश में आ मैं द्वार को खटखटाता रहा और अंत में आवेश में आ मैंने द्वार को तोड़ दिया। भीतर का दृश्य, अस्त व्यस्त अलका अपने वस्त्रों को संभाल रही थी और उसके साथ एक पुरुष था, वो था मायावी। वही मायावी जिसने उपहार स्वरूप मुझे अलका भेंट में दी थी, वही मायावी जिसे मैंने अपना मित्र माना, वही मायावी जिसे मैंने पुत्र सुग्रीव पुत्रंगद और भ्राता सुग्रीव के विरोध के पश्चात भी अपने राज्यसभा में महासामंत की उपाधि से सुशोभित किया था। एक क्षण के लिए तो मैं तब रह गया, किंतु दूसरे क्षण मेरे भोजन के पार उसने मुझे धिक्कारा और क्रोधाग्नि में जलते हुए मैंने उसे ललकारा, मायावी ओ कायर भगोड़े विश्वासघातक ठहर, नबी समुद्र तक हर एक स्थान पर मैं उसका पीछा करता रहा। वो कभी एक क्षण के लिए प्रकट होता है, किंतु अगले ही क्षण वो कई दिवस के लिए अदृश्य हो जाता है। फिर एक रोज समुद्र तट की कंदरा में वो अपने दो साथियों के साथ असावधान सोता हुआ मिला। एक क्षण को तो मैंने सोचा कि उसकी इस अवस्था में हत्या कर दूं, किंतु सोते हुए शत्रु पर प्रहार करना काली की वीरता के अनुकूल न था।
इसलिए मैंने उसे ललकारा, मारी, ओ कायर भगोड़े, निर्लज, उठ और मुझसे युद्ध कर। युद्ध प्रबल से प्रबलतम होता गया और सर्वप्रथम मैंने उसके दोनों साथियों को मार गिराया। अपने साथियों के धाराशाही होते ही मायावी का सारा पराक्रम भी जाता रहा। वो आक्रमक होने के स्थान पर रक्षात्मक होने लगा, वो आगे बढ़ने के स्थान पर पीछे हटने लगा, किंतु पीछे हटने को कोई स्थान ना था और अंत में गदा और शिला के बीच पिसकर मार आ गया और उसका काला शरीर पृथ्वी पे जा गिरा। मैंने उसे छू के देखा, उसके प्राण पखेरु तो कब के उड़ चुके थे और इसके साथ ही मेरा सारा आवेश, सारा क्रोध वो भी जाता रहा और थकान से कालांत अपने शरीर को मैं किष्किंधा की ओर बढ़ाने लगा। तभी मेरे दो गुप्तचर जो मुझे कई दिवस तक ना पा करके मुझे ढूंढते हुए इस ओर चले आए थे, उन्होंने मुझे सूचना दी कि जिस समय मैं युद्ध करने के लिए गुफा के अंदर गया था तो पीछे से गुफा का द्वार बंद कर दिया सुग्रीव ने और किष्किंधा पहुंचकर मेरे राज्य को हड़प लिया सुग्रीव ने। प्रजा में अराजकता फैला दी सुग्रीव ने और अब तक तो उसे मेरे जीवित होने का पता भी चल चुका होगा और वो मेरी मृत्यु का षड्यंत्र भी रच चुका होगा। सुग्रीव, 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 गुफा का बंद करने वाला कौन? सिंहासन अपने वाला कौन? सुग्रीव। मेरे विरुद्ध विश्वासघाती षड्यंत्र कार्य कौन? सुग्रीव। सुग्रीव, मैं आ रहा हूं। प्रभु, जब भाई बाली वापिस आया और मुझे राज सिंहासन पर बैठा पाया तो क्रोधित हो उठा। प्रभु, उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे मार मार कर किष्किंधा से बाहर निकाल दिया प्रभु, और मेरी पत्नी मुझसे छीन ली। उसी दुष्ट के भय से मैं इस पर्वत पर रहता हूं, मगर यहां वो मातंग ऋषि के श्राप के कारण नहीं आ सकता। प्रभु, मातंग ऋषि के श्राप के कारण वो यहां नहीं आ सकता? जी प्रभु। किंतु क्यों? उसका कारण है दुधुम्बी राक्षस। दुधुम्बी? आखिर हुआ क्या था ऐसा कि बाली यहां नहीं आ सकता? आज सूर्य अवश्य पश्चिम से उदय हुआ है और तारा का भाग्य उदय हो गया जो आज किष्किंधा नरेश के दर्शन थे। क्या करे तारा, राज्य किए कार्य भी तो करने होते हैं, उसी में विलंब हो जाता है। महाराज, आप तो अत्यंत थकान में दिख रहे हैं। हाँ,
थकान। तारा, हमारी तो सारी थकान तुम्हारा ये सुंदर मुख देखते ही दूर हो जाती है। हमारा उपहास तो नहीं उड़ा रहे? नहीं तारा, उपहास नहीं। वो शोर कौन है वहां? कौन है? ओ तुदुम्बी, नाच में दम कर रखा है इसने। तुदुम्बी, ये दुष्ट उसी मायावी का भाई है। मायावी? हाँ, इतना विरोधाभास है महारानी और उनके इस दुष्ट भाइयों में। मायावी, यह नाम तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा। महाराज, ये कहीं वही मायावी तो नहीं जिसके साथ आपकी एक स्त्री को लेकर और महारानी? हाँ, महारानी किस तात्पर्य से महारानी? हाँ तारा, ये उसी मायावी का भाई है और महारानी मंदोदरी का भाई। लंकेश ने इनके उत्पात से तंग आकर इन्हें लंका से निष्कासित कर दिया था और तब से ये किष्कंधा में आए दिन उत्पात मचाते रहते हैं। बस, किंतु अब और नहीं, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बाली मारा। ओह तारा, हमारा योद्धा तो परास्त हो गया, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मायावी को तो मैंने स्वर्गलोक पहुंचा दिया, अब इसे भी नर्क भेजने का समय आ गया है। बाहर निकल बाली। ओह तुदुम्बी, आज तू जीवित नहीं बचने पाएगा। बाहर आ गया बाली, आजा देखते हैं सबसे कौशल कौन है। शक्ति, अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि अब मैं मतंग क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु जो भी हो, इस दुष्ट दुदम्बी से पीछा छूटा। आओ तारा। अपवित्र, प्रभु
भाई बाली को ब्रह्मा जी का वरदान है कि जो भी उसके समस्त आएगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। सुन सुग्रीव मारी हो पाल ही एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौ बेर ही प्राण। यदि बाली को ये वरदान है सुग्रीव, यदि बाली को यह वरदान मिला हुआ है तो मैं उसके सम्मुख जाकर उसे युद्ध नहीं करूंगा। अभी तो आप जाकर युद्ध करेंगे। मैं? हां, क्योंकि यदि मैं उसके सम्मुख जाकर युद्ध किया तब वो मेरे बाणों से अवश्य मारा जाएगा, फिर ब्रह्मा जी के दिए वरदान की हानि होगी। इसलिए आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। परंतु प्रभु, बाली अत्यंत बलशाली है। वो बलशाली है किंतु आप भय मत कीजिए, मैं आपके साथ रहूंगा। जब आप युद्ध करेंगे तो मैं छुपकर उस पर वार करूंगा। एक और बात प्रभु। क्या है मित्र? ये जो सामने सात ताल के वृक्ष है ना प्रभु, जो भी योद्धा इन सारे वृक्ष को अपने एक ही बाण से उखाड़ फेंकेगा वही बाली का युद्ध करे मृत्यु करेगा प्रभु। ठीक है मित्र, आपकी ये शंका निर्मूल नहीं है। मैं आपका शंका अभी मिटाता हूं। मेरा ये एक ही बाण इन समस्त सात ताल के वृक्षों को भेद कर आगे निकलेगा। तुंदु भी अस्ति ताल दिख राए बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। अब आप जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। अवश्य प्रभु। बाली कभी रघुपति बाली पठावा रघुपति सुग्रीव पठावा जाए निकट बल पावा। अरे जिस जाए निकट बल पावा। मंत्री जी। जी महाराज। अनेक दिवस बीत गए किंतु उस सुग्रीव की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। जी महाराज। क्या इस संसार में ऐसा भी कोई भाई है जो अपने ही भाई के प्राणों का प्यासा हो? अवश्य महाराज, आपका अपना ही तो भाई है। हाँ वही तो। बाली कौन है? अरे दुष्ट बाली, तूने मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाया है, मगर आज सुग्रीव अपना सारा बदला चुकाने के लिए आया है। लो आ गया, आज फिर उसे उल्टी समाई है। ऐसा प्रतीत होता है
उसकी मृत्यु स्वयं उसे यहाँ खींच लाई है। अरे नहीं, घर में छुप कर क्या जान बचाता है? पाप का फल भोगने के लिए बाहर क्यों नहीं आता है? बाली बाहर और अपनी भुजा का बल दिखला। अरे कायर कुबुद्धि भगोड़े, क्या तुझे लज्जा नहीं आई? अनेकों बार तो तूने भाग कर अपनी जान बचाई, आज सब मालूम हो जाएगा कि कायर कौन है और भाग कर जान बचाने वाला कौन है। ठहर, अभी आता हूँ और तेरी गीदर भक्की को मिट्टी में मिलाता हूँ। सामने आ, शेखी ना जता, बताऊ तुझे मैं वीरता का पता। बच निकल भागा था अब तक छल कपट और घात से, आज ना बचने पाएगा हरगिज तू मेरे हाथ से। गया नाम शायद तू बाली का भूल, मेरे सामने कैसे आया तू नानो कौर? बाली बाहर आ और अपने भुजा का बल दिखला। अरे ओ कायर, तू शायद तेरी मार भूल गया है। आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। चला जा ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर। परे भार में तू और तेरा मर्तबा, आज मैं तेरी हड्डियां लूंगा चबा। समाया है सिर में तेरे क्या फितूर, मत जान अपनी गवार बेसहूर। अगर जान है तुझको अपनी अजीज, तो चला जा यहां से अरे बदतमीज। यहां से उसी समय जाऊंगा या तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। मालूम होता है आज तेरी खाल खुजा रही है। क्या मालूम मेरी खाल खुजला रही है या तेरी मृत्यु तुझे बुला रही है। इतनी जवान दराजी, अभी करता हूं तेरी मेहमान नवाजी। आ जा। ज्यादा ही बल आ गया। ओम ब्रह्मदेवाय। Ah!
जो कुछ भी हुआ भूलवश हुआ। मैं अपने धनुष पर बार बार बाण चढ़ाता था किंतु धोखा खा जाता था। यदि धोखे से वो बाण आप पर चल जाता तब तो अनर्थ हो जाता। और वैसे भी मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दें। आप दोनों भाई भाई हैं, यदि मिलते हैं तो मिलने दें। मित्र, अब मैं आपको एक निशानी पहनाकर भेजूंगा जिससे कि मैं आपको आसानी से पहचान सकूं और मुझे बालू की मृत्यु का ध्यान रहे। लक्ष्मण। परंतु प्रभु, इस बार देखते मत रह जाना। नहीं मित्र, वरना मेरा जिंदा बचना नामुमकिन है प्रभु। अब कुछ नहीं होगा मित्र, अब आपको कुछ नहीं होगा। लक्ष्मण, एक फूलों की माला लो। मैं मित्र सुग्रीव को पहनाऊंगा जिससे मैं इनको आसानी से पहचान सकूं। मित्र, एक रूप तुम भ्राता दो। पीड़ा कम हुई? नहीं भ्रमते जी प्रभु। मारे उसो। अब आपके शरीर की और आपके मन की ये सारी पीड़ाएं समाप्त होंगी। मेरी कंठ सुमन के माला। अब आप जाइए पल दे और जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। जी प्रभु। इस बार वो जीवित नहीं बचेगा। अवश्य प्रभु। बाली, बाली, बाली। लो फिर आ गया। अरे ओ कायर कुबुद्धि भगोड़े, तुझे चुल्लू भर पानी भी नहीं मिल पाता है। सब बार बार मार खाने मेरे सामने चला आता है। बोली बहरा, पिछली बार तूने घर में घुसकर जान बचाई थी, मगर इस बार सुग्रीव तेरी मृत्यु अवश्य करेगा। ओ कायर, कल तो तुझ पर अनुकंपा कर मैंने तेरे प्राण बख्श दिए थे, किंतु आज
आज तेरा अवश्य प्राण हर लूंगा। ठहर, धैर्य प्राणनाथ, धैर्य। पहले शंका का समाधान कीजिए। शंका? कैसी शंका तारा? प्राणनाथ, आपको ऐसा नहीं प्रतीत होता कि सुग्रीव की वाणी में अहंकार है? कहीं उसे किसी की सहायता न मिल गई हो? तो क्या मैं उस कायर से डर जाऊं, सियार की भांति घर में घुसकर बैठ जाऊं? अगर ऐसा होता तो मैं आपको कदापि नहीं रोकती महाराज। तो फिर क्या बात है? महाराज, ये सुनने में आया है कि सुग्रीव ने दो धनुषधारी मानवों से मित्रता कर ली है। तो क्या ये कोई साधारण मानव नहीं? क्या कहना चाहती हो तारा? ये तेजस्वी मानव है जिन्होंने अनेकों असुरों का वध किया है महाराज। तारा तारा तारा, तुम बड़ी भोली और कपोक हो। जो बाली का वध कर सके ऐसा इस संसार में कोई चंगा है। हट जा मेरे रास्ते से। महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। महाराज, तारा, मेरा मार्ग छोड़ो। नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, कुछ अनर्थ हो जाएगा। आप कृपया करके ये युद्ध न करिए। हट जाओ। ओ, आ गए। क्या औरत के पल्लू में मूछी बाए पड़े थे? चल पापिया, चल नरक के द्वार चल। आज मैं भी देखूं काल का तू ग्रास पापी, या नरक का ईंधन है तू, मौत का खाजा है या फिर झील का भोजन है तू। बात कही नहीं, ना छिलना ना लड़ाई, मेरा हक मुझे दे दे बली। सिवाय हमारा गर्दी के तेरा कोई हक नहीं। तो आज तेरी मृत्यु में भी कोई शक नहीं। तेरे बबर के सामने अयोध्या अकल आ गया। किया जिसने अभिमान, वो एक दिन बाद सिर के बल आया। तेरा जिंदा जाएगा तू मेरे प्रहार से। तो आज तू खुद चल के आया है छुरी की धार के नीचे। लात भूतों की बात ऐसे नहीं माना करते हैं। यार डंडों के लंबी को नहीं चाना करते हैं। आजा, देखते हैं किस में कितना बल है। आजा। उनी नाना विधि भई लड़ाई, पिटप ओट देश है रघुराई। पहुंचल बल सुग्रीव कर दिएगा, है बाल मारा बाली राम तब हृदय मार सरता। छल छल धोखा, ये किसका तीर करा रहा है? किसने इसने छल से मुझ पर वार चलाया है? तुमने क्रोध के वशीभूत होकर अपने कर्तव्य को नहीं विचारा, इसलिए हमने तुम्हें मारा। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, धर्म के रक्षक राम, क्या महावीर, किसकी नरेश मित्र और बाली शत्रु, ये कैसा न्याय तुम्हारा है राम? नहीं बाली, सुग्रीव मेरे मित्र इसलिए हैं क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर है और तुमने अधर्म का मार्ग अपना लिया। और जो अधर्म के मार्ग पर चले वो धर्म की बात करे, ये शोभा नहीं देता बाली। अच्छा हुआ प्रभु, जो हुआ सब ओ अच्छा। कहते प्रभु पिताश्री, एक विनती है कि आप मेरे इस पुत्र अंगद को अपनी शरण में ले। ओ प्रभु, मेरे पापों के लिए मुझे
मुझे देखो तुम्हारा पुत्र तुम्हें पुकार रहा है। पिताश्री मालूम क्या होगा, हम कैसे जिएंगे? देवी राम मुझे भी दंड दो, मुझे भी मार दो। हे देवी अपने नेत्रों को पोंछ ले। ये विधि का विधान है, इसे कोई पलट नहीं सकता, इसलिए धीरज धारण करें। हनुमान, सुग्रीव जी, लक्ष्मण, आप सब मिलकर महाराज बाली का अंतिम संस्कार कीजिए। तत्पश्चात प्रभु लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव का राज तिलक भी कीजिए। अभी चतुर्मास प्रारंभ होने वाला है, जब ये चार मास बीत जाएंगे उसके पश्चात ही फिर हम सीता को खोजने का काम प्रारंभ करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा भैया। सीते कहाँ हैं, कैसी हैं? ये रात जैसे राम को निकलने के लिए आता है, आपके बिना हर पल घुटन महसूस होती है। पता नहीं आप जीवित हैं भी या नहीं, किस प्रकार आप होंगे। ये विरह उस दबी हुई अग्नि के समान है जो भीतर ही भीतर उबलता रहता है। ये प्रेम का वो अथाह सागर है जो निरंतर हिलोरे मारता रहता है। पता नहीं मेरी नींद कहां चले गई, मेरा चैन कहां जाकर सो गया। हर दिन सूरज आसमान में उगता है डूबता है, तारे दिखाई पड़ते हैं अलोप हो जाते हैं। क्या मेरे जीवन के कष्टों का कोई अंत नहीं होगा? क्या सीता मुझे कभी नहीं मिलेगी? क्यों तकदीर ने छल कर मेरे प्राण जुदा किए। लक्ष्मण। हाँ भैया। देखो चतुर्मास भी समाप्त हो गया, वर्षा ऋतु भी बीत गई, किंतु सुग्रीव जी को अपना किया हुआ वचन स्मरण नहीं है। हाँ वो राज भोग में इस प्रकार उन्मत्त हो गए हैं कि उन्हें यह भी स्मरण नहीं रहा कि उन्होंने अपने मित्र राम से क्या वचन किया था। क्या दुनिया के संबंध है, सांसारिक सुख प्राप्त होते ही मनुष्य अपने कर्तव्य अपने वचनों को भूल जाता है। लक्ष्मण तुम जाओ और सुग्रीव जी को उनका वचन स्मरण कराओ। हां भैया। किंतु ध्यान रखना, क्रोध में आकर न कुछ ऐसा बोलना न करना जो मित्रता के संबंध के विपरीत में हो। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर सारी बातें करना। चल तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणा सीव भय दिखाए ले आ। दो दिन में अंधा हो गया, विलासिता के मुंह में वचन याद दिलाएगा। अब लक्ष्मण का क्रोध ये
सुग्रीव। हे सुमित्रा नंदन, आपके इस क्रोध के पीछे का क्या कारण है? अंगद, सुग्रीव जी को हमारे आने की सूचना दो। उससे कहो शत्रु तमन लक्ष्मण उनसे मिलना चाहते हैं। अभी महाराज सुग्रीव, माता तारा, सुमित्रा नंदन अति क्रोध से भरे हैं। आप लोग अति शीघ्र कोई निर्णय लीजिए। उनके सामने जाने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है। मैंने ना तो कोई बात अपने मुख से निकाली है और ना ही कोई बुरा कार्य किया है। सुग्रीव, फिर लक्ष्मण जी इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? महाराज, भैया लक्ष्मण जो भी कहे से शांत होकर सुन लीजिएगा, क्योंकि गलती हमारी ओर से हुई है। सुग्रीव, सुंदरी तारा, अब आप भी जाइए उनसे बात करो। लक्ष्मण जी स्त्री के सामने क्रोधित नहीं होंगे। महाराज, मैं उन्हें अंदर भेजता हूं। सुग्रीव, ये सुमित्रा नंदन, आप अंदर पधारे। कर विनती मंदिर ले आए, कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखारे पलंग बैठाए। युवराज लक्ष्मण, आपके क्रोध का कारण कौन है जो आपकी आज्ञा के अधीन नहीं है? सदैव अपने स्वामी के हित में रहने वाली देवी तारा, आपका पति भोग विलास में लिप्त हो गया है। भैया राम के उपकारों को भी भूल गया। क्या आपने उन्हें समझाया नहीं? मदपान मद में लिप्त और स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विहार में, क्या महाराज सुग्रीव को समय का ध्यान नहीं? महाराज सुग्रीव ने 4 माह की अवधि तय की थी, किंतु वो कपटी भी चुकी है। यदि अफसर आने पर उपकारों का ऋण ना चुकाए जाए तो धर्म की हानि होती है। देवी तारा, धर्म की हानि होती है। वीर लक्ष्मण, यह क्रोधित होने का समय नहीं है। आपके प्रति जो कार्य सिद्ध करना है, महाराज सुग्रीव को उसका पूरा ज्ञान है। अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसकी क्षमा मांगूंगी। मैं मानती हूँ कि श्री राम के कार्य में विलंब हुआ है, किंतु महाराज सुग्रीव का आपके प्रति जो कार्य है और जो कार्य आपने उनके लिए किए हैं, उन सबका उनको ज्ञान है और वो श्री राम के कार्यों को भूले नहीं है। तो मैंने क्या कुछ अनुचित कहा? नहीं युवराज, किंतु आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप काम में आधीन पुरुष की स्थिति को नहीं जानते। वानर क्या, काम वक्त मनुष्य भी धर्म दिशा और काल को भूल जाता है। अभी सुग्रीव मेरे साथ थे, आप उन्हें अपना भाई मानकर क्षमा कर दें। और हमारा जो कार्य पूर्ण नहीं हुआ उसका क्या? नरशेष, सुग्रीव ने आपके कार के लिए योजना बना दी है, कई वानरों को भी बता दिया गया है। अब आप मित्र भाव से हमारे भवन में प्रवेश कर सकते हैं, इसमें कोई अधर्म तो नहीं। आइए युवराज। जो राजा दयालु कुलीन होते हैं, संसार में उनका ही आदर होता। जो राजा धर्म के मार्ग पे चले वो युद्ध के योग्य है और वक्त के भी। आप मिथ्यावादी हो, आप मिथ्यावादी हो। अपना कार्य तो भैया राम से पूर्ण करवा लिया, जब मदद की बारी आई तो राग रंग में लिप्त हो गए। युवराज लक्ष्मण, आपको महाराज के प्रति ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए, यह वन राज है। युवराज लक्ष्मण, कपिराज ना तो कटु है
और ना ही असत्यवादी। वर्षा की निर्मल वर्षा जब तपती हुई पृथ्वी में पड़ती है तो धरा उसे समेट लेना चाहती है। क्या काम में इतना अशक्त हो गए कि भैया राम के क्रोध का भी भय नहीं रहा? यदि रघुमान के उपकारों का याद नहीं तो आपका भी वही हशर होगा जो बाली का हुआ है। लोग कहते हैं महामुनि विश्वामित्र जब मेनका से मिले तब 10 वर्षों के समय को भी उन्होंने 1 दिन माना और हम तो साधारण प्राणी हैं। महाराज सुग्रीव मुझे और अंगद यहां तक कि पूरी सभा को त्याग सकते हैं श्री राम का प्रेम पाने के लिए। आप कृपया निश्चिंत रहें, उन्होंने आपके प्रति सारी योजनाएं बना दी हैं, समय भी निश्चित कर दिया है। युवराज लक्ष्मण मुझे क्षमा कर, मैं भूल गया कि यह समस्त किष्किंधा मुझे प्रभु राम के उपकारों से मिला है। मुझे क्षमा करे लक्ष्मण, मुझे क्षमा करे। नहीं महाराज सुग्रीव, मैं आपके हृदय के शुद्ध भावों को समझ गया। आप जैसा शांति पाकर भैया राम सनात हो गए। अब शीघ्र करिए, भैया राम आपकी प्रतीक्षा में है, शीघ्र करिए। महाराज सुग्रीव आइए, आइए महाराज सुग्रीव जी आइए। हरसी चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जय रघुनाथ। रामानुज आगे करी आए जय रघुनाथ। रघुकुल भूषण क्षमा करे। उठिए मित्र, जो मैं आपके किए एहसानों को भूल गया। नहीं मित्र, मैंने कोई एहसान नहीं किया और आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको बोध हो गया कि आपने कहां गलती की थी। मित्र चतुर्मास बीत चुका है, इसलिए अब सीता का खोज प्रारंभ किए थे। अवश्य प्रभु। ए मेरे समस्त वानर मंत्रियों, यहां आओ। तुम सब चारों दिशाओं में फैल जाओ। हे हनुमान, हे नलनील, जामवंत अंगद, जाओ और सब जगह फैल जाओ और 1 माह के भीतर सीता मैया का पता लगाओ। जी महाराज, हम प्रभु के काज हेतु बल अपना पूर्ण लगा देंगे। यदि 1 माह के भीतर सीता माँ का पता नहीं लगा सके तो तुम सब मृत्यु दंड के भोगी होगे। महाराज, यदि हमें अपने प्राण भी देने पड़े तब भी हम माता सीता की खोज अवश्य करके रहेंगे। जी बस अब हमें आज्ञा दें, शीघ्र जाइए। हमने माता सीता का पता लगा भी लिया तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? हमने तो उन्हें देखा ही नहीं है प्रभु। हनुमान, तुमने सीता को देखा नहीं है न पहचानते हो, किंतु जब तुम सीता के समुख जाओगे तो तुम्हें खुद आभास हो जाएगा कि सीता संसार में केवल एक है। हां, जब तुम सीता के सामने जाओगे तो सीता को यह विश्वास दिलाने के लिए कि मैंने तुम्हें भेजा है, मैं तुम्हें एक निशानी देता हूं। यह मुद्रिका, यह वही मुद्रिका है जो सीता ने मुझे दिया था केवट को देने के लिए, किंतु तब से यह मुद्रिका मेरे पास में है। यह मुद्रिका ले जाओ।
सीता को देना और उसे कहना कि उसका राम उससे बहुत प्रेम करता है, उसे हर पल स्मरण करता है और वो अपना धीरज न खोए, राम अवश्य आएगा उसे बंधन मुक्त कराने के लिए। जाओ हनुमान। हे प्रभु, हम माता सीता का पता लगाकर शीघ्र अति शीघ्र लौटेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। बाली और सुग्रीव में युद्ध हुआ, बाली राम के हाथों मारा गया और लक्ष्मण द्वारा सुग्रीव का राजतिलक कर दिया गया। चौमासे के बाद सभी वानर सीता जी की खोज में निकल पड़े।